सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, माया रावण के संग में आकर तुम भटके, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। साथ हैं बाबा, आज पूछ रहे हैं, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है, बाप को बच्चे पर कौन सा वंडर लगता है। बाबा कहते हैं, बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गए। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानी करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। तो बाबा कहते हैं, क्या सोच रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। और बराबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम स्वतः प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी से उतरे, रावण आया गया, इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं, तो हम भी भूल गए, हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं, हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे, ये भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा, कितने तुम भटके। अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, फिर मिले कहां। जिसको पत्थर ठिकर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कलव तुम भटके भटक कर जैसे फां हो गए हो, अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में कितना दुख उठाया है, भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल आता है, भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कला भक्ति की है, किस लिए, भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं, क्या देते हैं वो फल, वो तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्ध बन गए। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए, हम क्या थे और फिर कैसे राज्य भाग्य लिया था। बाबा कहते हैं, जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवता हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए। यह भी ड्रामा में पार्ट है, तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो तब ऊंचा पद पा सके, और मेरे को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो। यहां बल सब बैठे हैं, फिर भी किसी की बुद्धि कहां, किसकी बुद्धि कहां। बुद्धि में आना चाहिए हम कहां थे, अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। बाप कहते हैं, तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां यह विष नहीं मिलेगा, यहां का गंदा खाना पान नहीं मिलेगा उधर, ये तो विश्व के मालिक थे, फिर ये गए कहां। फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं,
कितना सहज है। ये तो बाप समझाते हैं, सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबरवार राजधानी स्थापना करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी वैसे ही करनी है, स्वतः प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तम प्रधान पुरानी दुनिया, एक्यूरेट पुरानी दुनिया जब होगी तब बाप आएंगे, बाप बिगड़ तो कोई समझा ना सके। ये सारी बातें भगवान वाच, मैंने तो कभी भी कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैंने तो राजयोग सिखाया और तुमको विश्व का मालिक बनाता। फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो, इसमें हठयोग आदि की बात नहीं, बस अपने को आत्मा समझो। अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह है भावी, तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम पुरुषोत्तम संगमिक वासी हैं, भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहां कहां रहेंगे, ब्राह्मण बनकर सब यहां ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। तुमने भी अपने घर में और बुद्धि में समझना है, हम शूद्र नहीं हम ब्राह्मण हैं, घर में रहकर भी अपने को ब्राह्मण समझना है, ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते सिर्फ बाप को याद करना है। हम क्या थे, अब हम पराय राज्य में बैठे हैं, कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह अवस्था बनानी है ताकि सुख पाए। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे बाकी चले गए, तुम्हारी बुद्धि में है हम अपना राज्य में थे और अभी कहां आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं बाप से कुछ भी नहीं छिपाना है, सर्जन से 5 विकार रूपी बीमारी नहीं छिपानी है। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है तो बाबा कहते हैं बाबा से कुछ नहीं छिपाना है, सब कुछ बता देना है, सच बताना चाहिए। शिव बाबा तरफ नहीं जाती, इधर जाती है, बताते नहीं तो वो वृद्धि को पाती रहती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है, तुम कितने सुखी थे अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा चला आया है, क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था वहां, ये रावण राज्य होता ही नहीं, वो तो राम राज्य है, वहां रावण कहां से आया। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल चट खाते हैं, किसने की, मैंने तुमको स्वतः प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तुम प्रधान किसने बनाया, रावण ने, यह भी तुम भूल गए हो। कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है, अरे परंपरा कब से, कोई हिसाब तो बताओ, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए, तुम भारतवासी बहुत सुखी थे और खुशी में थे, और कोई नहीं था। बाप कहते हैं तुम यहां सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो, माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्रह हप कर लेते हैं, ऐसे भी हैं अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे,
इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत की? अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट्ट हो गई है। देहाभिमान में आने से पुराने अपना जो भी है नुकसान कर देते हैं, पदभ्रष्ट हो पड़ेगा पुराने संस्कार के कारण। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीजें देखते हैं तब तो लोभ होता है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कहते हैं, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस शिवालय से दिल हटाने हैं, शूद्र के संग से किनारा कर लेना है। जो कुछ बीता सो उस ड्रामा समझकर विचार नहीं करना है, अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, खुशियों के खजानों से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं, इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ, बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करें कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। तो आज बाबा हमें स्लोगन दे रहे हैं, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा खा नहीं सकती, वो सदा विजयी रहती है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।